नज़र नज़र में बसना कोई कमाल नहीं, नस नस में रचना कमाल है, बुलंदियों पर तो कोई भी पहुंच जाए, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी, आज हमारे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर अभिषेक यादव। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी नज़रों में की टू सक्सेस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पैशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस भी चीज़ में हम दिल से मेहनत करते हैं उस फील्ड में हम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ में लगे हुए हैं, वो हमारी अपनी चॉइस की, हमारी अपनी इच्छा की है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स के, हमारे दोस्तों के या कुछ और चीज़ों से मोटिवेट होके देख के हम किसी फील्ड में बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारा दिल उसमें नहीं होता, हम कुछ और काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस भी चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा काम करने में खुशी मिलती हो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपसे जानना चाहेंगे कि सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके साथ भी कोई ऐसे पल हुए होंगे, कोई ऐसी यादगार आपको याद आती हो जब आप कठिनाई के दौर में थे या आपको लगा कि बड़ा मुश्किल है लेकिन आपने खुद को संभाला होगा? देखिए, कॉलेज के टाइम में और कॉलेज के बाद भी बहुत बार ऐसा होता रहा है कि आदमी प्रयास करता है, मेहनत करता है लाइफ में लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलती है। जैसे कॉलेज के बाद जब हमने ग्रेजुएट किया था तो उस समय रिसेशन का टाइम था, तो नौकरियां जिन लोगों की लग भी गई थी उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी, नौकरियां सारी रुक गई थी, बहुत लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था। तो वो एक ऐसा टाइम था जब क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हमें लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमने अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, लगातार प्रयास करते रहे और समय के साथ जब चीज़ें ठीक हुई तो उसमें सफलता भी मिली और आगे बढ़ने का मौका भी मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ऐसा नहीं है कि भाई बुरा समय नहीं आता या किसी का आता है किसी का नहीं आता, सभी का आता है। हमें लगे रहना है, परिशीलन के साथ मेहनत करते रहना है और थोड़े समय में मुझे अपने एक्सपीरियंस से पूरा विश्वास है कि अगर हम सही नीयत से सही जगह पे मेहनत करते रहें तो सफलता ज़रूर मिलती है। चाहेंगे कि आपकी नज़रों में की टू सक्सेस क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता का सबसे बड़ा कारण प्रयास और मेहनत ही रहता है और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक या दो दिन का होता है। इसमें अगर हम लोग लगातार उसमें लगे रहें और लगातार परिश्रम करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आता है, धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नॉन स्टॉप प्रयास होता रहे, हर रोज़ हम ये सोचें कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो प्रयास जो है वो लगातार किया जाना बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन वो प्रयास जारी रहेगा तो सारी चीज़ें बहुत आसान से हो सकती हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो लगातार प्रयास चलता रहे और कुछ समय बाद उसके रिजल्ट भी आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। इंजीनियरिंग आपने की है, उसके बाद आपने आईटी सेक्टर में आपने जॉब की, उसके बाद आपने बैंकिंग में आपने जॉब की, इनकम टैक्स में आपने जॉब की, लेकिन फिर इधर आप आते हैं तो सिविल सर्विसेज में आने की कोई खास बात, कोई खास वजह? देखिए, सिविल सर्विसेज में आने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने डिसीजंस के माध्यम से सबसे अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं एक साथ। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो केवल आपकी कंपनी या आपके किसी व्यापार को या आपके व्यक्तिगत फैमिली को इफेक्ट नहीं करता है, वो जनता को इफेक्ट करता है। तो जैसे अगर हम पुलिस में हैं तो हमारे जो भी डिसीजंस हैं वो जनरल पब्लिक के मदद के लिए, एक डिसीजन बहुत बड़ी मदद कर सकता है कई लाखों लोगों की। जहाँ भी हम पोस्टेड हों बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ हमें ऐसे काम करने का मौका मिलता है, ऐसे सुधार लाने का मौका मिलता है जो एक साथ लाखों लोगों की मदद कर सकता है। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा कारण मेरे लिए यही रहा कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद एक साथ हमारे पास करने का मौका है। सर, मुझे फरनगर में है आप, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्राइम कैपिटल इसको कहा जाता है, यहाँ जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो लगता है उनके फेसबुक प्रोफाइल, उनकी व्हाट्सएप स्टेटस से कि जो जरायम की दुनिया के जो चेहरे हैं उनको वो अपना कभी कभी आइडल मान लेते हैं। उन युवा पीढ़ी के लिए आप कहना चाहेंगे और आपका पर्सनली युवाओं के लिए क्या संदेश आज देना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि लाइफ में हम किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं वो ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में आगे कहाँ जाते हैं। अगर अपराधी को हम रोल मॉडल मान रहे हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी लाइफ क्या है। उसकी ज़िंदगी हमेशा पुलिस से भागते रहना, जेल में काटना, उसके परिवार का हमेशा परेशान रहना, छोटे छोटे कामों के लिए, पैसे के लिए, अन्य चीज़ों के लिए मोहताज रहना, तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें सारा समय हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे दुखी हैं, हम कभी ये नहीं पता कि हम कब घर पे हैं, कब जेल में हैं, कब हमारे साथ क्या कहते हैं, कितना पॉजिटिव काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो भी नवयुवक हैं उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं और वो आदमी किस तरह का जीवन यापन कर रहा है।
हो सकता है कुछ पढ़ के या कुछ देख के हमें बहुत सही लगे वो चीज़, लेकिन हमें डिटेल में जाना पड़ेगा उस चीज़ के पीछे। और समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना प्रेरणादायक लोग हैं जिन्होंने छोटे से उठ के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आज आप उनको देखेंगे तो विश्व स्तर पर उनका नाम है। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो केवल मेहनत और उनकी लगन का प्रयास का फल है। ये अपराध की दुनिया एक बार को हो सकता है कि किसी को देख के बहुत अच्छा लगे, कि पढ़ के बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वो तो अखबार में थोड़ी देर के लिए या टीवी पे थोड़ी देर के लिए देख रहा है, लेकिन उसको ये देखना ज़रूरी है कि पूरा जीवन वो किस तरह बिता रहा है, कैसे वो भाग रहा है, उसका परिवार परेशान है, रो रहे हैं लोग। तो क्या हम यही जीवन जीना चाहते हैं? एक मौका मिला है इस लाइफ में कुछ अच्छा करने का, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें कि हाँ हमने कुछ अचीव।